हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर व्लॉग। मैं पूजा, आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस देखिए, मेरा रूम का हालत क्या हो गया है। मेरा 2 दिन से क्या तबीयत ख़राब हुआ और रूम का हालत पूरा कैसे हो गया है। देखिए, मैं नहीं रहूँगी तो मेरा रूम का क्या हाल होने वाला है, आप सब देख के पता लगा सकते हो। और ऐसे भी मेरा ना कमर में कुछ मतलब लग गया है कहीं से, तो इतना दर्द हो रहा है, इसी वजह से ना मैं झुक के कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। इसी वजह से 2 दिन ना रूम का कुछ मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही कर रही थी, तो ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से ना रूम का पूरा देख सकते हो क्या हालत हो गया। मैं नहीं रहूँगी, मेरा घर का क्या होने वाला है आप सब देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये वाला जो रूम है, पूजा वाला रूम है, इसमें कोई मतलब ये रूम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये वाला जो कंबल है, इसको यहीं पे रख दी थी, अब इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो सोचा इसको फोल्ड करके, इसका जो कवर था ना वो फट गया है, तो इसको ना अभी फ़िलहाल बोरा में घुसा के रख देते हैं, नहीं तो ऐसे ही रखूँगी तो ना पूरा गंदा हो जाएगा। और इतना भारी कंबल है, इसको धोते धोते तो फिर मेरा पूरा ही मतलब हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अभी फ़िलहाल इसको ना बोरा में भर के रख दे रही हूँ, फिर जब टाइम मिलेगा ना इसको निकाल के अच्छा से धो के फिर सुखा के रखूँगी। फ़िलहाल मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसको मतलब धो के साफ सफाई करने का, जैसे भी अभी थोड़ा मोड़ा काम मतलब जितना कर सकती हूँ उतना ही कर रही हूँ। कमर में पता नहीं, अचानक रास्ते में चल रही थी, चलते चलते अचानक कैसे मतलब लग गया, शायद ऊंचा नीचा में पैर मतलब पड़ गया होगा, इसीलिए ना क्या हुआ मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रात भर मेरे को इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, मैं तो सो भी नहीं पा रही थी। तो फिर सुबह मतलब 2 दिन से काम भी नहीं कर रही थी, आज थोड़ा ठीक लगा तो सुबह उठ के फिर क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि घर ना पूरा एकदम बिखरा पड़ा हुआ है और ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है, घर बिखरा पड़ा रहेगा और मेरे घर में तो कोई लेडीज़ है नहीं मेरे अलावा, और इसीलिए ना कोई काम करने वाला भी मतलब कौन करेगा सब काम, तो इसीलिए पड़ा है। और मेरा हस्बैंड वो सुबह सुबह थोड़ा घर का कुछ जो भी मॉर्निंग रूटीन है थोड़ा हाथ बटा देते हैं, फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं। और फिर जो भी खाना पीना बनाना मतलब धीरे धीरे मैं करती हूँ, तो 2 दिन से मैं रेस्ट कर रही थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, और अभी थोड़ा मुझे आराम लगा तो चालू हो गई। और देखिए आज गाइस दोपहर को ना मेरे घर में लंच नहीं बनेगा, मम्मी लंच बनाएगी तो बुलाई है, वहीं पे आई हूँ। और आज लंच पे बन रहा है पुलाव बनेगा, तो उसी का जो भी है पुलाव बनाने के लिए गाजर और जो भी मतलब लगता है सारा फ्राई कर रही है मम्मी कढ़ाई में, और थोड़ा सा घी कम हो गया तो और थोड़ा ज़्यादा दे रही है। और किशमिश, काजू, गाजर और शिमला मिर्च जो भी है सारा को एक साथ डाल के उसको फ्राई कर रही है। और चावल तो पहले ही बना लिए हैं, और देखिए जो बासमती वाला जो राइस आता है शायद इंडिया गेट या फिर कुछ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, जो भी है उसी से बना रही है, और बहुत ही चावल खिला खिला बना है, देख सकते हो। गाइस मुझे पुलाव बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मुझे पुलाव मतलब इतना ज़्यादा पसंद है मैं क्या बताऊँ। पहले जब बिरयानी खाती थी तो बिरयानी बहुत ज़्यादा फेवरेट था, अभी चिकन की वजह से बिरयानी को छोड़ दी हूँ, अभी फ़िलहाल पुलाव ही खा रही हूँ। और पुलाव के साथ बना है फूल गोभी, पनीर और शिमला मिर्च डाल के एक मम्मी सब्जी बनाई है, तो लंच कर लेते हैं। और देखिए ये दोनों लंच करने बैठ गया है। और गाइस अभी शाम के 7 बज रहा है और हम आ चुके हैं अपनी दुकान, और देखिए यह है हमारा कपड़ा दुकान है, और हमें थोड़ा पार्लर भी जाना है इसीलिए हम आए हैं। और गाइस मेरे भाभी वो अपने थ्रेडिंग करवा रही है और मुझे नहीं करवाना है, बस वही करवा रही, उसको लेके आई हूँ पार्लर में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अच्छा गई रही है।